हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सागर गोला। आज का हमारा टॉपिक है एड एक्सटेंशन इन गूगल एडवर्ड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कितने टाइप के गूगल एडवर्ड के अंदर एड एक्सटेंशन है। तो ठीक है, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरी sagargola.com वेबसाइट पे भी आप देखेंगे कि इसको मैंने एक थ्योरी के बेसिस पे एक्सप्लेन भी कर रखा है कि आपको कौन कौन सा एक्सटेंशन है, उसको क्या वर्क है और कैसे दिखाई देता है गूगल एडवर्ड की एड के अंदर। तो इसमें ईजिली बहुत ही सिंपल वे में और पिक्चर के साथ मैंने आपको डिस्क्राइब कर रखा है, और प्लस अभी मैं एक एक करके आपको समझाता भी हूँ कि आपका ये एक्सटेंशन कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो आप गूगल एडवर्ड में जैसे आप जाएंगे, यहाँ पर जब आप एड एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको साइड में आपकी सारी लिस्ट दिखाई देगी, जैसे साइड लिंक एक्सटेंशन, कॉल आउट एक्सटेंशन, स्निपेट एक्सटेंशन। तो ये बहुत सारे एक्सटेंशन है जो हम अपनी एड में लगा के उसको बूस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके अगर सिंपल आप एक सर्च इंजन नेटवर्क की एड लगाओगे, उसके अंदर आपके खाली टाइटल आता है और डिस्क्रिप्शन आता है। जैसे कि मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, दिखा भी देता हूँ लाइव। जैसे आप एक कीवर्ड डालिए, यूज कार इन दिल्ली। देखिए, ये जो एक एड है इसके अंदर 3 से 4 एक्सटेंशन लगे हुए हैं। जैसे कि ये एक्सटेंशन है साइट लिंक एक्सटेंशन, आपका ये है कॉल आउट एक्सटेंशन, ये है स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। तो ये बेसिकली क्या है, आपकी एड को थोड़ा बूस्ट करने के लिए, थोड़ा कंटेंट एक्सटेंड करने के लिए ये एक्सटेंशन लगाए जाते हैं, जिससे आपकी जो एड है वो थोड़ी ज़्यादा लगे और थोड़ी बड़ी लगे, जिससे आपका जो ऑडियंस है आपके साथ अट्रैक्ट हो और उनको आपकी ऐड में सब चीज़ पता लग जाए। मतलब मैक्सिमम चीज़ जो आपके कीवर्ड्स हैं उसके रिलेटेड उनको ये पता लग जाए कि ये ऐड जो है वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे इन्होंने यूज़ का भी डाल रखी है, तो इन्होंने जैसे साइड लिंक भी डाल रखी है मारुति यूज़ का। तो इसका मतलब क्या, अगर कोई बंदा मारुति की यूज़ का खरीदना चाहता है तो इस पर क्लिक करेगा तो वो उसी पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं ऐड एक्सटेंशन आपकी कन्वर्जन को, लीड को बढ़ाने के लिए। तो जैसे ये आप महिंद्रा की ऐड देखिए, इसमें खाली इन्होंने कॉल आउट एक्सटेंशन लगा रखी है खाली, और कोई एक्सटेंशन नहीं लगा रखी। और आप देखिए कार वाले ने देखिए खाली टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो ये बहुत पुअर क्वालिटी की एड्स है, मतलब इन्होंने कोई भी एक्सटेंशन नहीं लगा रखी है। तो कहीं ना कहीं आपका क्वालिटी स्कोर भी थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर की ऐड है आप देखिए, इन्होंने काफ़ी एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर रखा है। तो अगर आप भी ऐसे एक्सटेंशन का इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके कन्वर्जन और लीड के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं आपको एक चक्कर डिस्कस भी करता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे आर्टिकल में सबसे पहला साइडलिंक एक्सटेंशन। साइडलिंक एक्सटेंशन मतलब, जैसे मैंने आपको बताया भी अभी कि ये जो आपके लिंक्स दिखाई दे रहे हैं इसे कहते हैं साइडलिंक एक्सटेंशन। तो ये आपके एक्सटर्नल लिंक होते हैं, आपकी वेबसाइट के ही लिंक होते हैं कि आप इस पर लगा सकते हैं अपनी ऐड के अंदर, जिससे कि जो आपका ट्रैफिक है, जो आपकी ऑडियंस है, इसके रिलेटेड भी वो उस पेज पे चली जा सकती है। उसके बाद सेकंड है हमारा कॉल आउट एक्सटेंशन। कॉल आउट एक्सटेंशन बेसिकली क्या है, थोड़ी आपकी डिस्क्रिप्शन एक्सटेंड कर देती है, मतलब आपकी एक लाइन और बढ़ा देती है। जैसे मेरी आप फोटो में भी देखोगे, इसमें पिक्चर्स में और लाइव में भी देखिए, ये है जिस पर मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये है आपकी कॉल आउट एक्सटेंशन। और आप इस बात का टेंशन मत लीजिए कि मैं ये होगी कैसे, मैं आपको एक एक करके अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको एक एक एक्सटेंशन के बारे में एक्सप्लेन भी करूंगा कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे इसको अपने गूगल एडवर्ड के अंदर हम लगा सकते हैं। उसके बाद थर्ड आती है हमारी स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। इससे भी आप सिंपल अपनी एक और लाइन जोड़ सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप मेरी पिक्चर में भी देख रहे होंगे इस आर्टिकल की, और प्लस आपको मैं लाइव दिखा भी देता हूँ जो मैंने ये सिलेक्ट करा हुआ है, ये है स्ट्रक्चर स्निपेट एक्सटेंशन। तो देखिए कॉल आउट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, साइट लिंक हो गया, तो 3 एक्सटेंशन तो इन्होंने लगा रखे हैं। उसके बाद कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन बेसिकली आपकी कॉलिंग के लिए होता है। जैसे कि आप फोटो में देख रहे हो, अगर कोई कस्टमर आप चाहते हो डायरेक्ट आपको कॉल करे तो आप इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़ोन में ये ऐसे दिखाई देगा और आपके डेस्कटॉप पे इसका नंबर शो होगा। तो आपके लिए दोनों ही बेनिफिशियल हैं अगर आप कॉल एक्सटेंशन लगाते हैं। तो
उसके बाद मैसेज एक्सटेंशन, मैसेज एक्सटेंशन बेसिकली अभी नया एक्सटेंशन आया गूगल एडवर्ड के अंदर। इसमें क्या है, कोई भी यूज़र आपको टेक्स्ट भी भेज सकता है, मतलब आपको मैसेज भी भेज सकता है आपके ऐड के थ्रू। तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोई ऐसी सर्विस है या फिर ऐसी बुकिंग है कि जिसमें कोई बंदा आपको मैसेज भेजे थ्रू आपके पास लीड जनरेशन। उसके बाद सिक्स्थ है आपकी लोकेशन एक्सटेंशन। लोकेशन एक्सटेंशन के अंदर बेसिकली आपकी लोकेशन भी दिखाएगा आपकी ऐड के साथ साथ। तो आप चाहते हैं कि आपकी लोकेशन दिखे, अगर मान लीजिए आपका कोई होटल है या रेस्टोरेंट है तो आप ये एक्सटेंशन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल जरूर रहेगा। उसके बाद है एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन। बेसिकली एफिलिएट लोकेशन एक्सटेंशन है कि अगर आप चाहते हो कि आपके और भी लिंक, मतलब यू स्टार्ट ऑफ विद देम, यू विल नीड टू ऐड अकाउंट लेवल, मतलब आप चाहते हो कि आपकी ऐड के अंदर और भी आपके एफिलिएट से रिलेटेड लिंक्स लगें तो आप इस पर आप लगा सकते हो कि आप अपनी ऐड में किसी और साइट पे आप भेजना चाहते हो तो ये एक्सटेंशन आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद प्राइस एक्सटेंशन। प्राइस एक्सटेंशन बेसिकली अगर मान लीजिए आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसी सर्विस है जिसमें आप प्राइस शो करना चाहते हो अपनी ऐड के अंदर तो आप वो ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे स्किन केयर की आपको यहाँ पर प्राइस लिख रखे हैं तो ये आप अपनी ऐड के साथ भी कर सकते हो। आप अपनी प्राइस लिस्टिंग अपनी ऐड के अंदर लगा सकते हैं जिससे आपके ऑडियंस और जो आपके कस्टमर है वो आपके प्राइस अपनी ऐड में ही देख लें। उसके बाद है ऐप एक्सटेंशन। ऐप एक्सटेंशन बेसिकली आपकी ऐड के अंदर ऐप इंस्टॉल के लिए एक लिंक लगाना। जैसे आप देखिए यहाँ पर अमेज़ॉन की दे रखी है तो यहाँ पर आ रहा है गेट द अमेज़ॉन मोबाइल ऐप। तो कोई भी मोबाइल यूज़र उसको क्लिक करेगा तो उसके मोबाइल में वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। उसके बाद है रिव्यू एक्सटेंशन। रिव्यू एक्सटेंशन में आपकी ऐड में किसी भी पर्सन का या किसी भी एक्सपर्ट का यहाँ पर रिव्यू शो होगा। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि इस वेबसाइट ने आपका रिव्यू दे रखा है, पेज का, आप किसी भी ह्यूमन का रिव्यू यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद ऑटोमेटेड एक्सटेंशन रिपोर्ट। ये कुछ नहीं, आपकी पूरी रेटिंग के हिसाब से, पूरी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको रिपोर्ट बताती है आपके एक्सटेंशन की। तो ये थे सारे हमारे गूगल एडवर्ड के एक्सटेंशन। और हमारे और गूगल एडवर्ड के अच्छे से पढ़ने के लिए, उसको जानने के लिए, उसको सीखने के लिए आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।